करना क्या। जी हाँ, जैसे कि आप जानते ही हैं, अक्सर हमको ये सब कहा जाता है कि भाई अगर प्यार किया है तो खुल्लम खुल्ला प्यार कीजिए। वहीं आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के ही एक ऐसे लव बर्ड्स के बारे में जो इन दिनों काफी ज्यादा खुल्लम खुल्ला प्यार करते हुए भी स्पॉट किए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की मुन्नी कहलाए जाने वाली मलाइका अरोड़ा और उनके र्यूमर्ड बॉयफ्रेंड और बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा की शादी की खबरें इन दिनों खूब आसमान छू रही हैं। तो वहीं कहा जा रहा है कि अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा 2019 में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, लेकिन हाल ही में मलाइका ने अर्जुन संग अपनी शादी पर चुप्पी तोड़ी है और काफी चौंकाने वाला बयान दिया है। जी हाँ, ये तो आप सभी जानते हैं कि कहा जाता है मलाइका ने अरबाज खान से, यानी कि सलमान खान के भाई अरबाज खान से तलाक सिर्फ और सिर्फ अर्जुन कपूर के लिए लिया था। और हाल ही में मलाइका ने जो बयान दिया है उससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं कि वाकई वो अर्जुन कपूर से शादी तो करना चाहती हैं लेकिन खुल्लम खुल्ला बोल नहीं पा रही हैं। तो फिर बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते हैं नजर आज की हमारी इस खास रिपोर्ट पर और देखते हैं कि आखिरकार बॉलीवुड की मुन्नी मलाइका अरोड़ा ने अर्जुन कपूर को लेकर क्या कुछ बयान दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है, जहां एक तरफ रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण शादी के बंधन में बंधे हैं तो वहीं प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी रचाने वाले हैं। अब आपको बता दें, अब बीते काफी वक्त से बॉलीवुड की मुन्नी यानी कि मलाइका अरोड़ा और बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आई। कहा जा रहा है कि अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा भी जल्द यानी कि 2019 में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। आपको बता दें, मलाइका अरोड़ा ने हाल में अर्जुन कपूर संग अपने रिश्ते पर काफी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने फाइनली चुप्पी तोड़ दी है। बॉलीवुड में चारों ओर मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर को लेकर बातें बनती ही जा रही है। पिछले कुछ दिन पहले मिलान एयरपोर्ट पर दोनों को हाथों में हाथ डाले भी देखा गया था, जिसके बाद से दोनों की शादी के कयास लगाए जाने लगे। ऐसे में अब तक चुप्पी साधे बैठी हुई एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा का इन अफवाहों पर गुस्सा फूटा है और अर्जुन कपूर संग शादी को लेकर उन्होंने काफी बड़ा बयान दिया। मलाइका ने शादी की दिन पे दिन फैलती अफवाहों पर कहा, मैंने कभी पर्सनल सवालों का जवाब नहीं दिया है, इसलिए नहीं कि मुझे शर्म आती है या फिर मैं जवाब नहीं दे सकती। दरअसल मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे सवालों का जवाब दूं, क्योंकि मुझे पर्सनल लाइफ पर बात करना असहज यानी कि अनकंफर्टेबल लगता है और जो है यही है मेरी लाइफ और हर कोई मेरी जिंदगी से रूबरू है, तो मुझे इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रही हूँ और ये बहुत खूबसूरत और प्यारी है। वेल, मलाइका अरोड़ा के इस बयान से ये साफ जाहिर होता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कहा कि जो भी है यही है और वो अपनी इस खूबसूरत जिंदगी को एंजॉय कर रही हैं, अपनी खूबसूरत लम्हों को एंजॉय कर रही हैं। वेल, मलाइका अरोड़ा के इस बयान से ऐसा भी माना जा रहा है कि मलाइका ने इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं ये कह ही दिया है कि अर्जुन संग बिताए हर पल को मलाइका काफी ज्यादा पसंद कर रही है, उन्हें अर्जुन कपूर का साथ काफी ज्यादा पसंद है। वेल, आपको बता दें, अर्जुन और मलाइका को लेकर पिछले काफी वक्त से खबरें सामने आई है। वही आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि ये दो साल 2019 में शादी करने वाले हैं। खबरों की माने तो साल 2019 में अप्रैल महीने में शादी कर सकती हैं और मलाइका अरोड़ा अप्रैल में दुल्हन बन सकती हैं। अर्जुन कपूर और मलाइका की शादी की तारीख के लिए बातचीत भी शुरू हो चुकी है और अब ये देखना होगा कि आखिरकार ये दोनों अपने इस रिश्ते पर कब चुप्पी तोड़ते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि हाल ही जब करण जौहर के तोहफे विद करण के सीजन 6 में मलाइका को गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, तब मलाइका की शादी के बारे में भी इशारा कर दिया था। इसके बाद मलाइका शर्माती हुई दिखी थी। बता दें कि मलाइका ने जब पिछले साल अरबाज खान से तलाक लिया था तब से ही दोनों के अफेयर की खबरें सामने आने लगी। यहां तक कि कहा तो ये भी जाता था कि मलाइका ने अर्जुन कपूर की वजह से ही अरबाज खान से तलाक लेने का फैसला किया था।
इन दिनों अरबाज भी अपनी विदेशी गर्ल जॉर्जिया एंड्रियानी के साथ शादी करने की तैयारी में लगे हुए हैं, तो वहीं मलाइका भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं और बेहद ज्यादा खुश है। वेल, हम यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से बॉलीवुड में शादियों का सीजन चल रहा है, तो अब मलाइका और अर्जुन कपूर को भी जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाना चाहिए। पिछले काफी वक्त से ही इन दोनों की शादी की खूब खबरें सामने आई, तो वहीं मलाइका के इस बयान ने कहीं ना कहीं ये साबित कर ही दिया है कि मलाइका ज्यादा तो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया कि उनकी जिंदगी जो भी चल रहा है वो यही है, जैसा आपने देखा वैसा ही है, और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि वो इन सब चीजों से काफी ज्यादा खुश है। पहले इससे बस एक ही बात साबित होती है, वो ये है कि मलाइका ने इनडायरेक्ट वे में इस बात का इशारा दे ही दिया है कि वो अर्जुन कपूर के साथ बेहद खुश है और जल्द ही शादी की रचाने वाली है, और जल्द ही अर्जुन कपूर की दुल्हनिया बनकर वो कपूर परिवार की बहू बनने वाली है। वेल, आपको बता दें ये खबर सुनने के बाद रही खान परिवार को, यानी कि सलमान खान और अरबाज खान को घेरा धक्का न लग जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि कहा जाता है अर्जुन कपूर की वजह से ही मलाइका ने अरबाज खान से तलाक लिया था, और उसी के बाद से सलमान खान, जिन्हें बॉलीवुड का दबंग सलमान खान कहा जाता है, वो भी अपनी एक्स भाभी मलाइका से काफी ज्यादा खफा है। इसी के साथ आपको बता दें कि अर्जुन कपूर और सलमान खान के रिश्ते भी काफी ज्यादा अच्छे थे, लेकिन जब से अर्जुन कपूर और मलाइका के अफेयर की खबरें सामने आई है, तभी से सलमान खान ना तो मलाइका से बात करते और ना ही अर्जुन कपूर से बात करते हैं। कहा जाता है कि अर्जुन और मलाइका का संबंध एक वक्त पर सलमान खान के साथ काफी अच्छा था, लेकिन अर्जुन कपूर की वजह से मलाइका और सलमान का रिश्ता तो बिगड़ा ही बिगड़ा, लेकिन अर्जुन कपूर ने खुद सलमान खान के साथ अपनी अच्छी खासी बॉन्डिंग को भी खराब कर लिया। वेल, हम यही उम्मीद करेंगे कि सलमान खान अब अपना गुस्सा थूक दे और अर्जुन और मलाइका को माफ कर दे, क्योंकि जहां एक तरफ मलाइका अरोड़ा के एक्स पति और सलमान के भाई अरबाज खान मूव ऑन कर चुके हैं, तो वही मलाइका भी अर्जुन कपूर के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का फैसला कर चुकी हैं। जहां एक तरफ अरबाज खान अपनी विदेशी गर्ल जॉर्जिया से शादी रचाना चाहते हैं, तो वही मलाइका भी अब अर्जुन कपूर संग शादी रचाने के पूरे पूरे मूड में नजर आई है। वेल, हम बस यही उम्मीद करेंगे कि ये दोनों ही अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश रहे, और अगर ये दोनों शादी करेंगे तो भाई अब अपनी शादी में बेहद खुश रहे और पहले से ज्यादा एंजॉय करें। हम यही उम्मीद करते हैं कि सलमान खान भी अब मलाइका और अर्जुन कपूर को माफ कर दे और मलाइका और अर्जुन को शादी की बधाइयां दे। खास प्रोग्राम जिसमें हमने आप सभी को दिखाया कि किस तरीके से मलाइका अरोड़ा ने अर्जुन कपूर संग अपने रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि वो अभी ये सारी चीजें एंजॉय कर रही हैं, और मलाइका अरोड़ा के इस बयान से ऐसा माना जा रहा है कि भाई वो अर्जुन कपूर की कंपनी को काफी ज्यादा पसंद करती हैं, उनके साथ रहना काफी ज्यादा पसंद करती हैं, और अब इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की शादी का। इन दिनों वैसे भी बॉलीवुड में शादियों का सीजन है, जहां एक तरफ प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस शादी रचाने वाले हैं, तो वहीं अब वो दिन भी आ गया है जब दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह भी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अभी फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का यहीं पर दी एंड करने का। पर आप निराश ना होइए, एक बार फिर लौटूंगी इसी प्रोग्राम के साथ और ऐसे ही कुछ दिलचस्प बॉलीवुड से जुड़ी गॉसिप के साथ। तब तक के लिए आप बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।